मेजर जनरल राजेंद्र सिंह ठाकुर, सेवानिवृत्त, ग्राम गड़ौला खांडे। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से यहाँ के एक होनहार लड़के विक्रम के संघर्ष की एक रोमांचक कहानी सुनाऊंगा। और यकीन मानिए, विक्रम के संघर्ष की कहानी सुनने के बाद आपको बहुत खुशी होगी और ये कहानी आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल, YouTube का ये चैनल है मेजर जनरल ठाकुर, इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इसकी सदस्यता जरूर हासिल करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं विक्रम के बारे में। विक्रम का गांव यहाँ गड़ौला गांव से 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ कैरवारा गांव है। विक्रम की शुरू की पढ़ाई गांव के ही गवर्नमेंट स्कूल में हुई और विक्रम के हमेशा मन में भारतीय सेना में प्रवेश करने की इच्छा रही थी। और विक्रम ने अपनी पूरी तैयारी करके 2017 में पहली बार उसने आर्मी की जो भर्ती की रैली हुई उसमें हिस्सा लिया। 2017 की रैली में गुना में जो हुई थी, विक्रम दौड़ में बाहर हो गया। विक्रम ने इस असफलता को असफलता ना मानकर एक चुनौती माना और उसने फिर 2017 में और तैयारी की, अपनी शारीरिक काबिलियत को बढ़ाया और 2018 की रैली में फिर से उसने हिस्सा लिया। 2018 की रैली में विक्रम दौड़ में तो पास हो गया पर बाद में वो फिजिकल टेस्ट में जो मेडिकल था उसमें फेल हो गया। 2017 गुना की रैली, 2018 शिवपुरी की रैली, इन दोनों रैलियों में असफल होने के बावजूद भी विक्रम ने हमेशा की तरह इन दोनों रैलियों की असफलता को एक चुनौती माना और अपनी तैयारी करता रहा। 2019 की रैली शिवपुरी में हुई और इस बार विक्रम को दोनों रैलियों का अनुभव था और उसकी मेहनत हमेशा जारी रही थी। विक्रम ने 2019 की रैली में दौड़ भी पास की और उसका मेडिकल भी हो गया और परंतु लिखित परीक्षा में वो मेरिट में नहीं आ पाया, तो 2019 की रैली में भी वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। पर विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी, उसके बाद गोपालपुर उड़ीसा में गया और वहाँ पर उसने TA बटालियन की रैली में भी कोशिश की, उसमें भी उसको सफलता हाथ नहीं आई। TA बटालियन की रैली के बाद विक्रम ने गोपालपुर में ही म्यूजिशियन की रैली में भी हिस्सा लिया, उस रैली में भी विक्रम को सफलता नहीं मिली। इसके बाद भी विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी और 2019 के अंत में विक्रम के पास 5 रैलियों का अनुभव था। इसी दौरान विक्रम की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी तो विक्रम ने सागर में आकर एक फलों का ठेला लगाया और उससे अपनी रोज़ की आमदनी करने लगा। इसी दौरान जब वो सागर में था, विक्रम की मुलाकात गड़ौला के मनोज सर से हुई और उसने फिर गड़ौला में आकर अपनी ट्रेनिंग करना शुरू किया। कोरोना के दौरान भी विक्रम ने अपना संघर्ष बंद नहीं किया और अपनी ट्रेनिंग उसने जारी रखी। 2022 में अक्टूबर के महीने में जब एक लंबे समय के बाद रैली फिर से खुली तो विक्रम के पास ये आखिरी मौका था, क्योंकि विक्रम की उम्र अभी 21 वर्ष से ऊपर हो चुकी थी। कि मैंने आपको बताया कि विक्रम अग्निवीर की ये जो रैली अक्टूबर 2022 में हुई उसमें जो पहली बार नोटिफिकेशन निकला था एज लिमिट का 17.5 साल से 21 साल, तो उस पहले नोटिफिकेशन के मुताबिक विक्रम इस रैली में हिस्सा नहीं ले सकता था। पर जैसा कहते हैं कि ईश्वर भी, जो लोग मेहनत करते हैं और असाधारण मेहनत करते हैं और असाधारण ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं, ईश्वर उनका हमेशा साथ देता है। तो विक्रम की इस लगनशीलता, इस मेहनत और इस संघर्ष को देखकर ईश्वर ने भी विक्रम का साथ दिया और दोबारा से एक नोटिफिकेशन आया जिसमें कि इस रैली के लिए, चूंकि ये रैली एक लंबे समय के बाद हो रही थी, आर्मी की इस अग्निवीर रैली के लिए जो एज लिमिट है वो बढ़ा दी गई और 17.5 से 21 साल न करके 17.5 से लेकर 23 साल की एज लिमिट कर दी गई। तो इस तरह से विक्रम के सामने ये आखिरी मौका था इस रैली में हिस्सा लेने के लिए और विक्रम ने अपनी पूरी जी जान से और मेहनत करके इस रैली में हिस्सा लिया। तो अक्टूबर 2022 में जब रैली हुई तो विक्रम के पास 5 रैलियों का अनुभव था और उसके पास NCC का C सर्टिफिकेट भी था। 2022 की रैली में विक्रम
रेस में भी, दौड़ में भी पास हुआ, फिजिकल की जो बाकी टेस्ट हैं उसमें भी पास हुआ, मेडिकल भी उसने क्लियर किया और लिखित परीक्षा जो कि ग्वालियर में 15 जनवरी 2023 को हुई, उसमें चूंकि उसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट था उसको लिखित परीक्षा में भी उसको मैक्सिमम नंबर मिले। और जनवरी के अंत में विक्रम इंडियन आर्मी में उसका सिलेक्शन हो गया। तो इतने लंबे संघर्ष के बाद विक्रम अपने मंजिल तक आखिर पहुँच ही गया। अभी मैं जब ये बात कर रहा हूँ आप सभी से, विक्रम इस वक्त जबलपुर में सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर में अपनी ट्रेनिंग ले रहा है। तो ये एक बहुत ही एक रोमांचक एक कहानी है एक लड़के के संघर्ष की, जिसने हिम्मत नहीं हारी और हर असफलता को वो एक चुनौती लेकर चलता गया और उसने हमेशा अपने आप के ऊपर विश्वास रखा और मेहनत करता गया। विक्रम को मैंने पिछले 3 साल से संघर्ष करते हुए देखा है और विक्रम की ये विशेषताएं हैं, बहुत ईमानदार है, उसके अंदर कभी ना हारने वाली एक प्रवृत्ति है, वो लगा रहता है चाहे कितनी भी असफलता मिलती रहे पर उसने कभी अपने आप को निराश नहीं किया है। उसके अलावा विक्रम का व्यवहार बड़ों के सामने वो बहुत इज्जत के साथ बात करता है और हमेशा इज्जत से पेश आता है। तो विक्रम में ये बहुत सारी खूबियाँ हैं और इस खूबियों के कारण विक्रम एक उदाहरण है हमारे क्षेत्र में, हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं बच्चियाँ हैं उनके लिए एक उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण है कि कैसे संघर्ष लोग कर सकते हैं और कैसे असफलताओं से निराश ना होकर, असफलताओं को चुनौती मानकर अपने आप को काबिल करके लोग संघर्ष करके अपनी मंजिल को आखिर में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पिछले महीने मैं विक्रम के गाँव गया कैरवारा, और मैं और मेरी माता, हम दोनों विक्रम के गांव गए और विक्रम के परिवार के सभी लोगों से मिला और उनसे मिलकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम सबको खुशी है, गढ़ौला के जो मनोज सर हैं और बाकी बच्चे जो विक्रम के साथ जुड़े हैं और गढ़ौला की वो जगह बसिया जहाँ पर भी सारे बच्चे ट्रेनिंग करते हैं और विक्रम ने भी वहाँ पर लगभग 1 साल ट्रेनिंग की, तो हम सब के लिए एक बहुत ही खुशी का ये अवसर है कि कैरवारा गांव का ये लड़का विक्रम अपने संघर्ष में हमारे साथ आकर जुड़ा और उसकी सफलता में, हालांकि उसकी पूरी मेहनत है और उसका पूरा संघर्ष है, एक छोटा सा एक योगदान गढ़ौला के लोगों का भी है और इस संघर्ष के कारण और विक्रम के संघर्ष के कारण गढ़ौला गांव के लोग और कैरवारा के लोग आपस में एक दूसरे के साथ मुलाकात का अवसर भी मिला। और मुझे पूरा यकीन है और मैं आशा करता हूं कि विक्रम का संघर्ष और विक्रम के उदाहरण को से प्रेरित होकर हमारे यहां के बच्चे और बच्चियां भी इस उदाहरण को याद रखेंगे, और इसलिए याद रखेंगे कि बहुत लोग होते हैं जो कि पहली बार या दूसरी बार रैली में सेलेक्ट हो जाते हैं और सफल हो जाते हैं और अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, और विक्रम का उदाहरण है कि 6ठी बार रैली में हिस्सा लेकर विक्रम ने अपनी सफलता प्राप्त की है। तो इस आशा के साथ कि विक्रम का उदाहरण हमारे यहाँ के लड़के लड़कियाँ जो कि संघर्ष कर रहे हैं और जो कि एक दो बार फेल हो जाते हैं, तो वो विक्रम का संघर्ष याद करके अपने आप को प्रेरित करते रहेंगे और अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहेंगे।